नमस्कार दोस्तों, अमित टेक पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग हमसे पूछे हैं, कमेंट करके पूछे हैं कि जब हम अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन किए थे तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो है अपना राशन कार्ड नंबर गलत डाल दिया है, या फिर कई सारे लोगों का ऐसा था कि जो है राशन कार्ड बंद हो चुका है, कट चुका है, उन्होंने पुराना डाल दिया, या फिर बहुत सारे छात्रों ने ऐसी गलती की कि उन्होंने जो है राशन कार्ड नंबर की जगह पे अपना आधार कार्ड नंबर ही डाल दिया है, या फिर कुछ ऐसे 00 करके डाल दिया है। तो अब लोगों के मन में ये डाउट है कि हमारी छात्रवृत्ति आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने थे, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब हम लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन कर रहे थे, ये जो हमारे पास कॉलम था राशन कार्ड नंबर वाला, वो जो है वैकल्पिक था, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डाल सकते, उसको ऐसे छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे छात्रों ने जो है ऐसी गलती कर दी कि उन्होंने राशन कार्ड नंबर गलत डाल दिया, या फिर राशन कार्ड नहीं है तो आधार नंबर डाल दिया, या फिर राशन कार्ड बंद हो चुका, कट चुका, पुराने राशन कार्ड का नंबर डाल दिया है। तो दोस्तों, इससे जो है आपके छात्रवृत्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपकी छात्रवृत्ति आएगी। आप निश्चिंत रहिए, अपने मन से डाउट हटा दीजिए कि मैंने राशन कार्ड नंबर गलत डाला, या फिर आधार नंबर गलत डाल दिया है, या फिर किसी दूसरे का राशन कार्ड नंबर डाल दिया है। इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपकी छात्रवृत्ति आएगी, क्योंकि ये वैकल्पिक है, ये कोई मोस्ट नहीं था कि आप डालें या फिर ना डालें। तो इसीलिए जो है आप अपने मन से बिल्कुल डाउट हटा दीजिए, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपकी छात्रवृत्ति निश्चित ही आएगी। तो दोस्तों, हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट करके पूछिए, मैं इसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।